नमस्ते, बांग्ला कृषि खामार में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवाजी आपके साथ। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक तो बात बता देता हूँ आपको। पहले है बांग्ला कृषि खामार, जो हमारा फार्म है, इसका काम क्या है? इसका काम है मछली का सीड बेचना, यानी कि मछली का जो बच्चा होता है वो हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। बस कोट अनकोट यही हमारा बिजनेस है। हम लोग कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई फीड सप्लीमेंट या फीड हम लोग सेलिंग नहीं करते। इसलिए अगर आपको कोई इंक्वायरी करना हो तो मछली का सीट का जरूरत है, तभी इंक्वायरी करिए, वो सब चीज में नहीं। दूसरी बात, एक खुशखबरी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है यानी कि जो हमसे मछली लेता है, उसके लिए है कि हम लोग नेक्स्ट सेशन से, यानी कि जनवरी से जब नया सीजन चालू होगा, तभी वीडियो कॉलिंग एक कंसल्टेंसी हमने देंगे उसको, और आगे वाला जो हमारा क्लाइंट होगा उसको भी ये सुविधा मिलेगा। वैसे तो हम लोग करते हैं कंसल्टेंसी, फोन पर देते थे, लेकिन अभी एक सिस्टमेटिक कर दिया, एक हेल्पलाइन कर दिया है, जो हमारा क्लाइंट होगा उसके ये सुविधा मिलेगा, जो पॉन्ड का एकदम सीधी एकदम बताएंगे हम, एकदम ऑनलाइन होके, जो उसको कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ समस्या से लेके, ग्रोथ से लेके, जो भी सारा प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए, और आगे जो क्लाइंट होगा हमारा उसके लिए है। आज का टॉपिक के ऊपर हम लोग शुरुआत करने से पहले आज करेंगे हम आईएमसी फार्मिंग, यानी कि आईएमसी में हम लोग सभी जानते हैं रोहू कतला मृगल। तो ये रोहू कतला मृगल फार्मिंग करने के लिए, देखिए रोहू कतला मृगल का जब ही बड़ा वाला साइज का होता है, यानी कि 4 kg, 5 kg, 6 kg, तो मार्केट में इसका भाव बहुत अच्छा मिलता है। ये जो हम लोग आईएमसी फार्मिंग करते हैं सभी को ये पता है। आज का जो मेथड का हम बात करेंगे, एक एक साइंटिफिक नेम है मेथड का, जिसको बोलता है काफ हैटिंग। इसका क्या कर जाता है, 6-7 महीनों में इसको आप रोहू कतला मृगल को आप 4 kg, 5 kg, 6 kg भी कर सकते हो, ठीक है, एक यही मेथड लगा के। और इंडिया के कुछ जगह में ये काम अभी चालू भी हो गया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहा है। जो हमारा किसान है जो आईएमसी फार्मिंग करते हैं, उसके लिए शायद मेरा ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है। तो आईएमसी में जैसी बात है, जो हम लोग पॉन्ड कैसे सिलेक्शन करेंगे, एक फैटनिंग मेथड में पॉन्ड तो हम जानते हैं, ये रोहू कतला मृगल यानी कि आईएमसी फार्मिंग के लिए थोड़ा सा 12 साइज का पॉन्ड लगता है, इसमें ग्रोथ भी अच्छा होता है, तो 1 एकड़ के ऊपर का आप पॉन्ड लीजिए। दूसरी बात क्या है, पॉन्ड में जब भी आप पॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन बहुत ही एक जरूरी है, तो जब भी आप पॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और एक बात आप ध्यान रखिए, एफसीआर को सस्टेन रखने के लिए, क्योंकि आपको बड़ा वाला साइज करना है, एफसीआर के ऊपर भी ध्यान देना है। एफसीआर सस्टेन रखने के लिए पानी में आपका प्लांकटन होना, यानी कि मछली का जो नेचुरल खाना होता है वो रखना, वो सस्टेन रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए पॉन्ड प्रिपरेशन से लेके थ्रू आउट कल्चर पीरियड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप सही मात्रा में प्रयोग करिए, ज्यादा मात्रा में अगर नहीं करिए, क्योंकि उसमें प्लांकटन ब्लूम भी हो सकता है, आपको हानिकारक भी हो सकता है। यानी कि काफ हैटनिंग मेथड में आपको यही देखना है कि नेचुरल खाना जो होता है वो आपको ठीक तरीके से मछली में रहे, मछली को खाना खाके आपको एफसीआर मेंटेन रहे। अभी बात आता है हम कौन कौन सी जाति यानी कि कौन कौन सी स्पीसीज आईएमसी में कर सकते हैं। तो जैसी बात है, आईएमसी फार्मिंग करेंगे तो रोहू तो आएगा, कतला आएगा, मृगल आएगा, ग्रास आएगा, कॉमन आएगा, कॉमन यानी कि जो गोल्डन आप बोलते हो, ये सब मछली आप इसमें कर सकते हो, जहां पर आप अच्छी से फार्मिंग भी ले सकते हो। तो रोहू, कतला, मृगल, ग्रास, कॉमन, सिल्वर भी ले लीजिए, सिल्वर, ये सब मछली आप का फैटनिंग मेथड में आप कर सकते हो। यानी कि सिंपल जो है आईएमसी का जो कैटेगरी में पड़ता है, हम वही लिखा है, तो ये सब मछली आप लग सकते हो। अभी बात होता है ये, जो हम कौन सी साइज का मछली डालेंगे और कितना डालेंगे।
ये सबसे जरूरी चीज है, ध्यान में रखिए, काफ हाइटेनिंग में ये दोनों चीज बहुत ही जरूरी है, स्टॉकिंग और साइज, यानी कि फ्राई साइज, फिंगरडिंग, ईयरडिंग, कौन सी साइज डालेंगे। पहले हम बोलते हैं इसको साइज क्या होगा। साइज जरूरी है, 100% जरूरी है, 500 ग्राम के ऊपर मछली जो होता है उसको लेके हम ये जो विधि होता है यानी कि काम करने जो मेथड होता है वो हम कर सकते हैं काम, यानी कि 500, 600, 700, 800 ग्राम का मछली लेके हम फैटनिंग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप कहीं से सीख लिया हो छोटा वाला फ्राई साइज, फिंगरलिंग, ईयरलिंग का मछली है, तो आप 4-5 महीनों में जो ग्रोथ आया आप देखिए उसमें कुछ छोटा रह जाता है, कुछ साइज बड़ा हो जाता है, खाना का ठीक तरीके से सही बंटन का प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें जब भी छोटा मछली जब रह जाएगा वो आप बेच डालिएगा, बड़ा वाला जब साइज 500, 600, 700 वो लेके आप काफ हाइटेनिंग मेथड यूज कर सकते हो। यानी कि ध्यान में ही रखना है काफ हाइटेनिंग में आपको 500, 600, 700 ग्राम का मछली लेके एक काम करना है, तभी आप 6-7-8 महीनों में आपको 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg के ऊपर वेट हो सकता है। ठीक है, आप ये भी देखा है 10-12 kg भी वेट हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी साइज हम डालेंगे। तो जैसी बात है 500 ग्राम से कम साइज हम नहीं डालेंगे, 500, 600, 700 ग्राम का मछली हम डालेंगे। और अभी जरूरत है जे कौन सी साइज हम डालेंगे, ये भी एक बहुत ही कौन सी कितना परिमाण में डालेंगे। तो जैसी बात है हम एकड़ का हिसाब लिखते हैं, एकड़ यानी कि 100 decimal, एकड़ में हम स्टॉकिंग कितना देंगे, तो ये हम पहले लिख लेते हैं। एक बार ये सब पीसेस है हा? तो एक एकड़ में हम कितना स्टॉकिंग करेंगे, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉकिंग आपको कम रखना है, बहुत ही कम रखना है, उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, खाना का कंपटीशन नहीं होगा, ज्यादा तैर पाएंगे और आपको का फैटनिंग पूरा फाइनलाइज्ड होगा, यानी कि ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए हम लोग स्टॉकिंग बहुत ही कम स्टॉकिंग करेंगे, तभी ये काम आपको ये जो मेथड है ये काम कर सकते हैं। रोहू एकड़ में हम 600 पीसेस देंगे, कतला हम एकड़ में 150 पीसेस देंगे, मृगल हम एकड़ में 450 पीसेस देंगे, ग्रास हम एकड़ में 15 पीसेस देंगे, कॉमन 60 पीसेस देंगे, सिल्वर 150 देंगे। हम एक एजम्पशन दिया है, आप इसके आगे पीछे कर सकते हो। हमने कोशिश किया है जो एकड़ में हम लोग 1500 से लेके 2000 के अंदर रहेंगे साइज का हिसाब से, एकड़ में 1500 से लेके 2000 का अंदर में रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। 700 केजी तो थोड़ा हमको 1500 में 700 जो ग्राम का मछली, 500 ग्राम का मछली तो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए 1800-2000 रख सकते हैं, 800 ग्राम का मछली 1200 रखेंगे। यही से आपको कैलकुलेट करना है, आपको दिमाग में यह रहना है कि आपको जो एकड़ में हम लोग 1500 से 2000 पीसेस रहेगा, ध्यान में रखिए, तभी आपको काफ फैटनिंग मेथड सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसमें उसको ऑक्सीजन से लेके उसको नेचुरल खाना से लेके बहुत कुछ मिल जाएगा और तैर पाएंगे, कंपटीशन नहीं होगा, ग्रोथ भी बढ़िया ले लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही फायदेमंद है। तो आप रोहू, कतला, मृगल जब भी आप स्टॉकिंग करेंगे, मैं एक एजम्पशन आपको दिया हूं, ये एजम्पशन 500 ग्राम का हिसाब का एजम्पशन है, आप 600 में और भी कम करना पड़ेगा, 700 जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा आपको, समझ गया ना। हाईएस्ट एक एकड़ में 2000 पीसेस हाईएस्ट। ठीक है, तो ये मेथड आप लगा के काम करिए। अभी ये बनता है जो हम इसको खाना क्या देते, घर का खाना भी दे सकते हो या कमर्शियल फीड भी दे सकते हो, आपका पॉकेट जो सबमिट करे वो आप कर सकते हो, लेकिन खाने में एटलीस्ट 24% प्रोटीन होना बहुत ही जरूरत है। 24% प्रोटीन देखना पड़ेगा आपको ये मछली को मिले। ठीक है, अगर आप घर का बनाया खाना देंगे तो
तो घर का बना खाना का इन्फॉर्मेशन तो हमने डाल चुका है, आप देख सकते हो। कमर्शियल फीड देंगे 24% मिनिमम प्रोटीन आप दीजिए। अब ये सवाल भी उठता है, जो हम खाना तो देंगे लेकिन कितना खाना देंगे, कितना बॉडी वेट में, तो आप इसको डेढ़ से 1.5 to 2% बॉडी वेट के हिसाब से थ्रू आउट कल्चर पीरियड आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो। ध्यान में रखिए प्लांटोन अगर सस्टेन रहे, अगर प्लांटोन वो खाएगा तो टेस्ट भी बढ़िया होगा, मार्केट में भी भाव भी अच्छा मिल जाएगा ना आपको, तो इसलिए प्लांटोन अगर सस्टेन रहे तो 1 to 1.5%, ठीक है, मैक्सिमम 2% आप बॉडी वेट के हिसाब से खाना दीजिए, एफसीआर भी सस्टेन रहेगा। कोशिश करिए घर का बनाया खाना देने, जिसका पॉकेट नहीं सबमिट करेंगे, उसका बजट नहीं है, तो घर का बनाया खाना दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24% कैलकुलेट कर लीजिए, चावल का भूसा से लेके सरसों खोल वगैरह जो हम बोलते हैं बस यही दीजिए। इसमें आप करेंगे तो कफ फटेनिंग मेथड एकदम 100% सक्सेस रहेगा, ये हमारा उम्मीद है। तो जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, जो IMC फार्मिंग कर रहे हैं मुनाफा के लिए, प्रॉफिट के लिए, हमको 4-5 kg, 6 kg कम टाइम में, क्योंकि ये 5-6 महीने में आपको बन जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, 5 kg, 6 kg के भी वेट हो सकता है। तो आप एक ट्राई करके देखिए, मेरा उम्मीद है कि आपको आप लाभवान होंगे जो IMC फार्मिंग करके।